لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد آج بتاريخ 27/4/2020 رمضان المبارك سے متعلق کچھ احکام و مسائل پر مشتمل یہ درس ہے. رب کریم سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس ماہ مبارک کے اندر ہر طرح کی نیکیاں، بھلائیاں، خیر سے متعلق امور آسان فرما، صیام و قیام کی توفیق عطا فرما، اور جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوں اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں قبول فرما. آج کا جو موضوع ہے پچھلے دنوں کے موضوع سے ہٹ کر، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے ہمارا صیام باطل اور فاسد ہو جاتا ہے. پچھلے درس کا موضوع تھا رمضان المبارک سے متعلق کچھ فضائل اور حکمتیں اور فوائد. آج کا موضوع ہے مبطلات الصیام، مفسدات الصیام، جس سے ہمارا روزہ باطل ہو جائے، صحیح اور درست باقی نہ رہ جائے، وہ جاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے روزوں کو محفوظ رکھ سکیں ایسی چیزوں سے کہ جن میں سے کوئی بھی چیز اگر ہمارے روزے کے ساتھ جڑ جائے تو ہمارا روزہ صحیح سالم نہ رہے بلکہ باطل ہو جائے اور فاسد ہو جائے. اہل علم نے اس تعلق سے کئی امور کا تذکرہ کیا ہے. میں اس درس میں کوشش کروں گا کہ ان چیزوں کے ذکر پر اکتفا کروں جو صحیح دلائل کی روشنی میں کتاب و سنت سے ثابت کہ ان چیزوں میں سے کوئی چیز اگر ہمارے روزے کے ساتھ جڑے تو ہمارا روزہ صحیح سالم نہ رہ جائے بلکہ فاسد اور باطل ہو جائے. آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کیا کیا چیزیں ہیں. مشہور کیا کیا چیزیں ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی بھی تنبیہ کے طور پر ذکر کروں گا جو لوگوں کے درمیان مشہور ہیں پر صحیح دلائل کی روشنی میں وہ ثابت نہیں ہیں. سب سے پہلے وہ چیزیں جو ثابت ہیں. نمبر ایک، الاکل والشرب. الاکل والشرب، کھانا اور پینا، یعنی کھانے اور پانی کو حلق کے راستے سے، منہ کے راستے سے، ناک کے راستے سے پیٹ تک پہنچانا. منہ، ناک، کسی بھی راستے سے پیٹ تک پہنچانا یہ کھانا اور پینا کہلاتا ہے. اب یہ کھانے اور پینے والی چیزیں جو بھی ہوں، کھانے اور پینے سے متعلق جو بھی چیزیں ہوں، اگر پیٹ تک کوئی چیز پہنچتی ہے،
मुंह या नाक के रास्ते से तो खाना और पीना कहलाता है। और हमें मालूम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खाने और पीने की चीज़ों को हमारे लिए हराम करार दे दिया है, सुबह सादिक से लेकर के ग़ुरूब आफ्ताब तक। सुबह सादिक से ये वक्त शुरू होता है और जब तक सूरज डूब न जाए तब तक ये सिलसिला दाखिल है, ये सिलसिला जारी और सारी है। सूरह बकरा में खाने और पीने से मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वकुलु वशरबु हत्ता यतबयन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वदि मिनल फजर थुम्मा अतिम्मु सियाम इलल लैल। तो कब तक खाने पीने की इजाज़त है? जब तक कि फजर सादिक ना हो जाए। وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر। तो जब तक सुबह सादिक ना हो जाए उस वक्त तक खाने और पीने की इजाज़त हमें इस आयत करीमा में दी गई है। और फिर उसी के बाद हमें रोक दिया गया कि जब तक सूरज डूब न जाए उस वक्त तक खाओ, उस वक्त तक ना खाओ ना पियो। ثم أتم الصيام إلى الليل। إلى الليل, إلى الليل का माना है कि जब से रात का आगाज़ हो रहा है, रात के शुरू होने तक, रात के शुरू होने तक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया, إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم। इदा अकबल अल्लैलु मिन्हा हुना व अदबर अन्नहारु मिन्हा हुना व ग़रबत अश्शम्स फ़क़द अफ़्तर अस्साइम। जब रात इधर से आए और दिन इधर से जाए और सूरज डूब जाए तो रोज़ेदार ने इफ्तार कर लिया, यानी यही उसकी इफ्तार का वक्त है। तो इससे मालूम हुआ इला लैल से मुराद रात शुरू होने तक, रात शुरू होने तक। और रात शुरू कब होगी? जब सूरज डूब जाएगा। रात शुरू हो रही है, दिन ख़त्म हो रहा है, और ये दोनों के दोनों चीज़ें मौकूफ़ हैं सूरज के डूबने पर। सूरज डूब गया, दिन ख़त्म हो गया, रात शुरू हो गई। यह है इस रिवायत के अंदर जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाया। तो खान पान से अल्लाह रब्बुल आलमीन रोज़े दारों को मना कर रहा है, सुबह सादिक से लेकर के ग़ुरूब आफ्ताब तक कोई भी शख्स ना कुछ खाए न पिए। माना इसका यह है कि अगर वो खाता और पीता है तो उसका रोज़ा सही नहीं होगा, उसका रोज़ा बातिल हो जाएगा। तो खाने और पानी की चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। खाने और पीने की चीज़ों से, खाने पीने की जो भी नवियत हो, अगर आप खाना वो खा रहे हैं जो कि आम तौर पर इंसान के ज़िंदगी के क़याम के लिए ज़रूरी है, या उसके बजाय कुछ और चीज़ें खा रहे हैं जैसे फल 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 फ्रूट वग़ैरह आदमी अगर ले रहा है वो खा रहा है, या पानी के बजाय वो जूस पी ले, या कोई भी चीज़ जो पी जाने वाली हो पानी के अलावा, जिसे चाय है वो पी ले, तो पी जाने वाली या खाई जाने वाली चीज़ों में से जो भी चीज़ें हैं उनके इस्तेमाल करने से रोज़ा टूट जाता है। ज़रूरी नहीं है कि खाने और पीने की चीज़ें मुंह के रास्ते ही से हों, हर वो चीज़ जो पेट तक पहुँचे
गरचे नाक के रास्ते ही से क्यों ना सही। अगर इंसान का मुंह बंद हो गया किसी वजह से, तो डॉक्टरों ने एक रास्ता, आसान सा रास्ता, नाक के रास्ते से नली के ज़रिए से पेट तक पहुंचाने का बंदोबस्त कर देते हैं और उस रास्ते से बहुत सारी चीज़ें पेट तक पहुंचती हैं। एक आसान सा रास्ता है जो इस दौर में ख़ास तौर से लोगों के यहाँ काबिल इस्तेमाल है। और याद रहे कि मुंह और नाक का ज़ाहिरी हिस्सा, मुंह और नाक का ज़ाहिरी हिस्सा ये उसमें दाखिल नहीं है। किस चीज़ में? खाने पीने। जैसे इंसान खा रहा है, पी रहा है, तो मुंह का ये जो हिस्सा हमें नज़र आता है या नाक का हिस्सा जो हमें नज़र आता है, यहाँ खाने और पीने की चीज़ें अगर पहुँचती हैं तो उसके पहुँच जाने से इस जगह में जो हमें नज़र आता है हमारा रोज़ा नहीं टूटेगा। बशर्ते कि वो हलक से नीचे ना उतरे। अगर हलक तक पहुँच कर वापस हो जाता है और अंदर नहीं जाता तो हमारा रोज़ा उससे मुतासिर नहीं होगा, उससे रोज़ा हमारा नहीं टूटेगा। जैसा कि एक रिवायत के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वबालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकून साइमन, वबालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकून साइमन। लकीत इब्ने सबूरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि नाक में पानी खूब अच्छी तरीके से चढ़ाओ, खींचो, बालिग फिल इस्तिंशाक इल्ला अन तकून साइमन, हाँ मगर जब तुम रोज़े से हो तो बहुत ज़्यादा न चढ़ाओ, मुबालगा उसके अंदर ना हो, चढ़ाओ लेकिन बहुत ज़्यादा न चढ़ाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाने से अंदेशा और ख़तरा हो जाता है कि हलक के नीचे से वो चीज़ पेट में चली जाए। तो गोया कि हर वो चीज़ जो पेट में जा रही हो और रास्ता उसका जो भी हो और वो खाने और पानी के मकाम को कायम रखे हुए हो तो उस चीज़ के जाने से रोज़ा टूट जाता है। पानी अगर हलक तक गया, हलक से पहले तक गया, मुंह के ज़ाहिरी हिस्से तक गया, नाक के ज़ाहिरी हिस्से तक गया तो उसके जाने से रोज़ा नहीं टूटता। इसीलिए हम वज़ू बनाते हैं तो कुल्ली भी करते हैं, नाक में पानी भी डालते हैं और हमारा रोज़ा बाकी रहता है, क्योंकि ये ज़ाहिरी चेहरे का ज़ाहिरी हिस्सा है, गरचे होंठों से ढका हुआ है, जबड़ों से ढका हुआ है, लेकिन ये ज़ाहिरी हिस्सा कहलाता है। यानी इस हिस्से में अगर पानी और खाने का कोई शय जाती है लेकिन अंदर नहीं ले जाता, अंदर हलक के नीचे नहीं ले जाता तो रोज़ा उसका टूट जाएगा नहीं। अगर ऐसा ही होता तो पांच वक्त जो हम वज़ू बनाते हैं ख़ास तौर से ज़ुहर और असर में, तो हमारा ये वज़ू हमारे रोज़े को तोड़ देता, क्योंकि कुल्ली और नाक में पानी डाले बग़ैर हमारा वज़ू नहीं होगा। ये हमारा ज़ाहिरी हिस्सा है, चेहरे का ज़ाहिरी हिस्सा, ना तो उससे उसके बग़ैर वज़ू होगा ना ही उसके बग़ैर गुस्ल होगा। गुस्ल भी अगर वाजिबी इंसान कर रहा है तो जब तक कुल्ली और नाक में पानी डालने और झाड़ने का मामला ना करे उस वक्त तक उसका गुस्ल भी नहीं होता। ये ज़रूरी आमाल में से हैं
वज़ू और गुस्ल के। रोज़ेदार खाने और पानी की चीज़ों को पेट के अंदर ले जाए। ज़ाहिरी खाना और पानी तो समझ में आता है, कुछ चीज़ें हर दौर के एतबार से अलग अलग आती हैं। आज के दौर में नई टेक्निक कुछ इस तौर पर हुई है कि आप इंजेक्शन दे सकते हैं या ग्लूकोज के रास्ते से आप मरीज़ को क़ुव्वत दे सकते हैं। बहुत कमज़ोर हो गया, बहुत लागर हो गया है तो डॉक्टर उसको ग्लूकोज देता है और कुछ ताकत के इंजेक्शन दे देता है, उससे उसकी हालत संभल जाती है। पर वो रोज़े से है, अगर हालत सियाम किसी की हालत बिगड़ जाए और डॉक्टर उसे इंजेक्शन दे तो उस इंजेक्शन के देने से उसका रोज़ा बाकी रहेगा या टूट जाएगा। अब देखना यह है कि इस इंजेक्शन की नौईयत क्या है। अगर ये इंजेक्शन कायम मकाम खाने और पानी के है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, उसको खाना पानी नहीं कहेंगे। लेकिन खाने और पानी के दर्जे में है, उसे वो दर्जा हासिल है जो दर्जा कि खाने और पानी को हासिल है, तो अगर ये सूरत हाल है तो उसका रोज़ा बाकी नहीं रहेगा। तो ग्लूकोस अगर वही काम करता है, ताकत का इंजेक्शन अगर वही काम करता है जो काम की खाना और पानी करता है, तो उसके लगाने से रोज़ेदार का रोज़ा टूट जाता है। और अगर इंजेक्शन कुछ इस नौईयत का है कि वो काम नहीं करता जो काम के खाना और पानी करता है, खाने और पानी का जो काम है वो काम ये इंजेक्शन नहीं कर रहा है जिसको डॉक्टर ने उसकी बीमारी को दूर करने के लिए लगाया, तो फिर वो उसके रोज़े को नहीं तोड़ेगा। जिसे बुखार की कैफियत को कम करने के लिए डॉक्टर ने एक इंजेक्शन मरीज़ को देना ज़रूरी समझा क्योंकि बहुत ज़्यादा बुखार था, लेकिन इस इंजेक्शन से मरीज़ को कुछ क़ुव्वत मिल रही है उसके जिस्म को, डॉक्टर कहता है नहीं, इसका क़ुव्वत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये तो वो बीमारी जो इस मरीज़ को लाहिक है उसको दफ़ा करने के लिए ये डोज़ उसको दिया गया है। तो एक ऐसी हालत को जो मरीज़ को परेशानी में मुबतला की हुई है, उस हालत को दफ़ा करने के लिए अगर ऐसा इंजेक्शन मरीज़ को दिया गया है, वो क़ुव्वत और ताकत का ज़रिया नहीं है, तो फिर उस इंजेक्शन से मरीज़ का रोज़ा मुतासिर नहीं होगा, उसका रोज़ा सही सालिम होगा। अब वो उसका जो भी नाम हो उस इंजेक्शन का या उस चीज़ का जिसके ज़रिए से वो बीमारी दूर की जा रही है। खा हो हाथ के रास्ते से हो या किसी नस के रास्ते से हो, कभी कभार गोश्त में कुछ चीज़ें देते हैं, कभी कभार नसों में देते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर वो चीज़ दी जाए, अगर उसका वो मामला नहीं है जो मामला कि खाने और पानी का है, तो फिर उसका रोज़ा बरकरार रहता है। तो एक चीज़ ये कन्फर्म हुई, बल्कि दो चीज़ें आईं, खाना और पानी, इन दो चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है, या वो चीज़ें जो इसके कायम मकाम हों। नाम उसका खाना पानी नहीं है लेकिन उसका काम वही है जो काम की खाने और पानी का है, तो ऐसे शख्स का रोज़ा टूट जाता है, बातिल हो जाता है और सही और दुरुस्त नहीं होता। इसी तरीके से वो चीज़ें जिनके
हासिल होने से इंसान को रोज़ा टूट जाता है, जिमा है, बीवी के साथ सोहबत, जिमा। अगर रोज़ेदार अपनी बीवी के साथ रमज़ान के महीने में दिन के वक्त में उस वक्त जबकि उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज है, इस कैद के साथ उस वक्त जबकि उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज है, बीवी के साथ अगर सोहबत करता है सलाम तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। ये इसकी कैद क्यों मैंने ज़िक्र किया कि उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज है? रमज़ान का महीना है तो हर मुकल्लफ पर उसका रोज़ा रखना फ़र्ज है, हर आकिल बालिग शख्स पर, जैसा कि ज़िक्र किया गया। तो ये बात क्यों दोबारा ज़िक्र की जा रही है कि अगर कोई शख्स रमज़ान मुबारक के दिनों में अपनी बीवी के साथ सोहबत करता है और ये उन लोगों में से है जिन पर रोज़ा रखना फ़र्ज है तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, बातिल हो जाएगा। ये कैद क्यों ज़िक्र की गई कि उन लोगों में से है जिस पर रोज़ा रखना फ़र्ज है? क्योंकि कुछ लोग हैं जिन पर फ़र्ज नहीं, वो तो पहले ही साकित हो गए, वो तो पहले ही साकित हो गए, इसलिए कि इंसान के लिए कभी कभार शरीयत की तरफ से उज़्र होता है, उज़्र मकबूल। अगर शरीयत किसी को माज़ूर करार देती है और उसके पास उन आज़ार में से कोई उज़्र होता है, उस उज़्र की बुनियाद पर अगर वही अमल इख्तियार करता है तो उसके ऊपर वो हुक्म नहीं होता जो हुक्म की उज़्र के बग़ैर है। दोनों में फ़र्क है। एक शख्स मुसाफिर है तो मुकीम की तरह से नहीं होगा, मुकीम पर रोज़ा रखना फ़र्ज है पर मुसाफिर पर फ़र्ज नहीं है। या मरीज़ है और ऐसा मर्द कि उस मर्द के साथ रोज़ा रखना उसके लिए मशक्क़त का बाइस है तो फिर शरीयत की तरफ से रुख्सत है उसके लिए, चाहे तो रोज़ा रखे या रोज़ा ना रखे। तो जो रुख्सत दे दी गई है रुख्सत पर वो शख्स काबिले मलामत नहीं होगा। रुख्सत वाली चीज़ों को अगर वो अपना रहा है तो क्या उस पर भी वो काबिले मलामत है? नहीं। रुख्सत की चीज़ों को अगर अपना रहा है तो ये वो चीज़ें हैं जो उसके लिए जायज़ हैं, शरीयत ने जायज़ करार दी हैं, वो काबिले मलामत नहीं होगा। तो ये उन चीज़ों में से एक है कि अगर रोज़ेदार के अंदर ये चीज़ आ जाए नहारे रमज़ान, और ये उन लोगों में से है जिन पर रोज़ा रखना फ़र्ज है तो उसके ऊपर पांच चीज़ें वाजिब हो जाती हैं, शख्स के ऊपर पांच चीज़ें वाजिब होती हैं। यानी इस पर जो हुक्म मुरतब होता है तो वो हुक्म अगर हम जानना चाहें तो ये पांच चीज़ें हैं जो उसके ऊपर मुरतब होती हैं। कौन सा शख्स जो कि रमज़ान मुबारक के दिनों में अपनी बीवी से सोहबत करे और ये उन लोगों में से हो जिनका रोज़ा रखना ज़रूरी है, रुख्सत वाले लोगों में से नहीं है, उज़्र वाले लोगों में से नहीं है, उन लोगों में से है जिनका रोज़ा रखना ज़रूरी है। अगर ऐसा शख्स बीवी के साथ सोहबत कर रहा है तो उस पर पांच अहकाम मुरतब होते हैं।
पांच चीज़ें उसके ऊपर आती हैं। ये पांच चीज़ें क्या हैं? नंबर एक, उसका वो रोज़ा फासिद हो जाता है जो रोज़ा उसने रखा है, वो रोज़ा उसका फासिद, क्योंकि रोज़ा रखना फ़र्ज था उसके लिए, तो रोज़ा उसका फासिद हो जाता है। नंबर दो, वो शख्स मासियत के इर्तिकाब से, ये मासियत उसने किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मना फरमाया था और इस बंदे ने उस मुमानियत को तोड़ दिया, तो गुनहगार होगा ये शख्स, ये शख्स गुनहगार होगा। गुनाह की कैफियत और नौयत क्या होगी रब्बे करीम बेहतर जानता है, पर वो शख्स गुनहगार है इस मासियत की वजह से जो उसने इर्तिकाब किया। नंबर तीन, दिन के बकिया हिस्सों को बगैर खाए पिए गुजारना है, यानी वो तमाम चीज़ें जिनके इस्तेमाल पर पाबंदी शरीयत की तरफ से आई हुई है उसका वो एहतमाम लाजमी तौर पर करेगा, जैसे कि दीगर साइमीन करते हैं। लुजूमुल इम्साक, उन तमाम चीज़ों की पाबंदी वाजिबी तौर पर वो करेगा जिसकी पाबंदी बकिया और साइमीन कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो गलती कर बैठा, गुनाह कर बैठा, तो अब दिन के बकिया हिस्सों में भी वो गलतियों के सिलसिले को जारी रखे, उसके लिए जायज़ और दुरुस्त हो गया। ऐसा नहीं है, बल्कि दिन के बकिया हिस्सों को वो इताअत और बंदगी के साथ और उस नीयत उस इरादे के साथ में गुजारेगा जैसे कि बकिया और दीगर साइमीन हैं। कितने अहकाम हो गए? तीन। नंबर चार, उस दिन की कज़ा करेगा, जैसा कि इब्न माजा वगैरह की रिवायत के अंदर है, वसुम यौमन मकाना, वसुम यौमन मकाना हो, और जिस दिन तुमने अपनी बीवी के साथ सोहबत करके अपने उस रोज़े को फासिद और बातिल किया, उस दिन के बदले में एक दिन का रोज़ा रखो, वसुम यौमन मकाना, उस एक दिन के बदले में एक और दिन का रोज़ा रखो, तो एक दिन की कज़ा करनी होगी। पांचवा और आखिरी, और इस पांचवे से पहले इस मासियत के अलावा जो बीवी के साथ सोहबत की शक्ल में है, इस मासियत के अलावा कोई भी चीज़ जिससे इंसान का रोज़ा टूट जाता है, अगर उनमें से कोई भी रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ का वो इर्तिकाब करता है, तो उस पर ये चारों अहकाम मुरतब होते हैं। रोज़ा तोड़ने वाली जो चीज़ें हैं, खाना पानी हो या आगे जो भी चीज़ें ज़िक्र की जा रही हैं, तो इनमें से किसी भी चीज़ का इर्तिकाब अगर कोई शख्स कर रहा है तो ये चारों अहकाम उस पर मुरतब होंगे। चारों से मुराद गुनहगार होगा और वो रोज़ा उसका फासिद हो जाएगा, दिन के बकिया हिस्सों को वो रोज़ेदारों की तरह से गुजारेगा मुफत्तरात से अपने आप को दूर रखकर, और एक दिन की कज़ा करेगा। ये चारों अहकाम हर उस शख्स पर मुरतब होंगे जो इन उमूर में से जिनसे रोज़ा टूट जाता है किसी एक चीज़ का इर्तिकाब कर बैठे, कोई भी चीज़।
और पांचवी जो पांचवा जो हुक्म है वो ख़ास है उस शख्स के लिए जो अपनी बीवी के साथ रमज़ान के महीने में दिन के वक्त में सोहबत कर बैठे। ये पांचवा हुक्म उसके लिए ख़ास है और वो है कफ़ारा। कफ़ारा तो ये कफ़ारा भी उसको देना होगा, यानी रमज़ान के दिन के अवकात में अगर ये अमल कोई कर बैठा अपनी बीवी के साथ तो क़ज़ा के साथ साथ कफ़ारा भी उसे देना होगा, क़ज़ा भी करना होगा और कफ़ारा भी देना होगा। कफ़ारे की नौईयत क्या है? मशहूर रिवायत हज़रत अबू हुर्रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सहीहैन में कि एक रकबा आज़ाद करें। रकबा यानी एक ग़ुलाम जो आज के दौर में मौजूद नहीं है। ग़ुलामों का सिलसिला जिस दौर में था या जिस दौर में रहे तो उसमें सबसे पहले जिस चीज़ का वो पाबंद है ऐसा शख्स ग़ुलाम को आज़ाद करना, कि ग़ुलाम को ख़रीदे और ख़रीद करके आज़ाद कर दे। जैसे कि बहुत सारा सामान मार्केट से आदमी ख़रीदता है, ऐसे ग़ुलाम और लौंडियाँ भी मार्केट में दस्तियाब होती हैं, ख़रीदी और बेचे जाते हैं, तो उनमें से किसी को ख़रीद करके और आज़ाद कर दे। पर आज के दौर में ये चीज़ दुनिया में मौजूद नहीं है। नंबर दो, अगर ये चीज़ उसे नहीं मिल रही है, यानी ग़ुलाम वो नहीं पा रहा है, ग़ुलाम या लौंडी, तो फिर क्या करेगा? वो मुंतकिल हो जाएगा दूसरे मरहले की तरफ। वो 60 दिन का मुसलसल रोज़ा रखेगा, 60 दिन का मुसलसल रोज़ा रखेगा, 60 दिन मुसलसल रोज़ा रखना। पे दर पे बिला नागा और अगर इसकी इस्तेआत उस आदमी के अंदर ना हो, अपने अंदर वो ताकत वो नहीं पा रहा है कि 2 महीने मुसलसल वो रोज़े से गुजारे, तो तीसरे मरहले की तरफ मुंतकिल होगा और वह है 60 मिस्कीन को खाना खिलाना। और खाना खिलाने के ताल्लुक़ से पिछले दर्स में ज़िक्र किया जा चुका है, लिकुल मिस्कीन निसु सा, हर मिस्कीन को आधा सा गल्ला खड़ा बग़ैर पकाए हुए दिया जाए, जिसकी तफसील गुजर चुकी है। ये दूसरी चीज़ है जिसके ज़रिए से हमारा रोज़ा टूट जाता है और वो है बीवी के साथ जमा और सोहबत करना, यानी कि मुसाफिर से अगर जमा हो जाए तो उसको ये नहीं होगा शेख। देखिए, मुसाफिर अगर सोहबत करता है तो जाहिर सी बात है कि मुसाफिर किससे करेगा? अपनी बीवी के साथ। गोया कि दोनों मुसाफिर हैं तो दोनों माजूर हैं, वो चाहे रोज़ा रखें और चाहे इफ्तार करें। वो अगर दिन का कुछ हिस्सा रोज़े से गुजारने के बाद अगर इफ्तार कर भी लेते हैं, कोई हर्ज नहीं उनके ऊपर। और अगर दिन के आगाज़ से ही वो इफ्तार के इरादे से वो सफ़र कर रहे हों, यानी सफ़र जारी है उनका और शुरू ही से उनकी नीयत रोज़े की नहीं है, तब भी कोई हर्ज की बात नहीं है। तो हालत सफ़र में अगर वो ये अमल इख्तियार करते हैं तो कोई मामला उनके ऊपर नहीं है। अलबत्ता अगर मरीज़ हैं
तो ज़रूरी नहीं कि दोनों मरीज हों। फ्लाई मोड कर दें। ज़रूरी नहीं कि दोनों मरीज हों, दोनों में से कोई एक भी मरीज है तो कहा जा सकता है कि उसके लिए रोज़ा रखने या रोज़ा तोड़ने की इजाज़त है। अगर ऐसा मर्ज है कि जिस मर्ज के साथ रोज़ा रखना मशक्क़त का बाइस है तो उसके लिए इजाज़त है, लेकिन अगर जिनसे मुखालिफ यानी मर्द अगर मरीज़ है तो बीवी ज़रूरी नहीं कि वो मरीज़ हो, तो अगर वो मरीज़ नहीं है तो उसके साथ वो सोहबत नहीं कर सकता क्योंकि उसे इजाज़त नहीं है, फ़र्ज़ है उसके ऊपर रोज़ा रखना। और अगर बीवी मरीज़ है तो शौहर जो कि मरीज़ नहीं है उसके लिए इजाज़त नहीं है कि वो बीवी के साथ, गरचे बीवी बग़ैर रोज़े के साथ रमज़ान के दिनों में गुजार रही है मर्ज़ की वजह से। हाँ अगर दोनों मरीज हैं और मर्ज़ उनके लिए रोज़ा उनके लिए बाइस मशक्क़त है, इस हालत में अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ सोहबत कर बैठते हैं कोई अर्ज नहीं। तो ये उज़्र शरई अगर मौजूद है, मर्ज़ हो दोनों के साथ या सफ़र हो और दोनों मुसाफिर हों तो फिर उनके ऊपर किसी तरह का कोई हर्ज नहीं है। अगर दोनों में से एक के पास उज़र है दूसरे के पास नहीं है तो दूसरे की दो हालतें हैं, एक तो ये कि वो अपने इख्तियार के साथ अपने इरादे के साथ वो दूसरे का साथ दे रहा है तो उसके ऊपर ये पांचों अहकाम मुरतब होंगे जो अभी जिक्र किया गया। और दूसरी हालत यह है कि उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती का मामला किया गया, उसके इरादे में लचक नहीं, किसी भी तरह की वो मुआफ़क़त उसकी तरफ से नहीं, लेकिन उसे मजबूर कर दिया गया और वो उस हालत से गुज़र रही है जिसको इकराह कहते हैं, तो फिर ऐसे में उसके ऊपर किसी तरह का कोई गुनाह नहीं और न ही दीगर अहकाम में से कोई हुक्म उसके ऊपर मुरतब होगा, दीगर अहकाम में से कोई भी हुक्म उसके ऊपर मुरतब नहीं होगा। इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान वलाकिन मन शरह बिल कुफ्र सदरन। तो अगर इकराह के साथ कुफ्र का कलिमा भी कोई शख्स अपनी ज़ुबान पर जारी कर लेता है तो कुफ्र के अहकाम उसके ऊपर मुरतब नहीं होंगे। ये सबसे गलीज किस्म का गुनाह है जो रुए ज़मीन पर इंसान कर सकता है, कुफ्र। और ये अमल जिसके ताल्लुक़ से गुफ्तगु हो रही है ये कुफ्र से कहीं कम है। तो जो हुक्म उसका होगा बदरजे औला इसका हुक्म वही होगा, यानी इसके ऊपर वो अहकाम मुरतब नहीं होंगे जो कि जानबूझ करके अपने इरादे के साथ कोई इंसान करता है बिला कस्त, उसका कोई कस्त व इरादा नहीं है। और बिला कस्त जो चीज़ की जाए उस पर किसी तरह का कोई हुक्म मुरतब नहीं होता। क़ुरान में अल्लाह ने एक जगह फरमाया वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम, वलाकिन मा तअम्मदत क़ुलूबुकुम। तो दिल के इरादे से अगर इंसान किसी काम को अंजाम दे तो शरीयत में वो मोतबर है, और अगर उसका कोई भी इरादा ना हो और वो काम उससे सरजद हो जाए तो वो शख्स गुनहगार नहीं होगा। कस्त के साथ है तो दोनों को कफारा देना पड़ेगा अगर दोनों ही गैर माजूर हैं। जी
और दोनों का कसद, दोनों एक दूसरे के साथ इरादे के साथ इस काम में शामिल हैं और दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, तो दोनों के ऊपर कफ़ारा होगा और क़ज़ा भी होगा, बकिया उन पांच चीज़ों के साथ साथ जिसका भी ज़िक्र किया गया। शेख, जो खातून मुकरी है, मुकरिहा है, वो क़ज़ा करेगी रोज़े की? रोज़े की क़ज़ा भी करेगी? नहीं, वो नहीं करेगी, उसके ऊपर कोई हुक्म मुरतब नहीं होगा, वो अपनी अपने रोज़े के सिलसिले को जारी और सारी रखेगी। इन अल्लाह तजावज़ अन उम्मती अल-ख़ता व निस्यान व मस्तुकरिहु अलैह, ये रिवायत मुतकल्लम फी है लेकिन माना इसका सही है कि जो मामला निस्यान का है, ख़ता का है, वही मामला उस शख्स का है जिसे मजबूर किया गया है। ख़ता और निस्यान पर पकड़ क्यों नहीं है? इसलिए कि कोई कसद और इरादा उनका नहीं है उस अमल में, बिला कसद और इरादा वो काम उनसे सरजद हो रहा है, इसलिए उस पर पकड़ नहीं है। तो सेम वही इल्लत उस शख्स में भी पाई जाती है जिसे मजबूर कर दिया गया, उसका भी इरादा नहीं है। तो अदम कसद में ये सारे के सारे एक जैसे हैं, और इसीलिए जब भूल चूक करके इंसान खा लेता है रमज़ान के दिनों में, खाना खा रहा है या पानी पी रहा है, फ़इन्नमा अतअमहुल्लाह हो सका, तो अल्लाह ने उसे खिलाया पिलाया, मतलब रोज़ा तोड़ दे या बाकी रखे, जारी रहेगा उसका रोज़ा। खाने के बाद ऐसा नहीं है कि अब वो रोज़ा उसका टूट चुका है, अब कोई फ़ायदा नहीं, खाना पेट भर करके खा लिया, शिकम शेर हो गया, नहीं आता, कोई हर्ज नहीं, गरजे उसने खाना खा लिया, उसे जब भी याद आए उसकी तरफ तवज्जो ना दे, क्योंकि भूल चूक रब्बे करीम के यहाँ माफ़ है। तो अगर भूले से अगर ऐसा किया है तो वही हुक्म उस शख्स का भी होगा जिससे ज़बरदस्ती कोई काम बिला कसदो इरादा उससे लिया जा रहा है। कितने हो गए मुहतलात सियाम, रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें दो, खाना और पानी दो हो गए, नंबर तीन जिमा, नंबर चार, बल्कि अगर खाने और पानी के साथ उन चीज़ों को भी अगर जोड़ें जो खाने और पानी के दर्जे में, तो एक नंबर और बढ़ जाएगा, गरचे वो खाना पानी नहीं है लेकिन खाने पानी के दर्जे में। नंबर चार इंजालुल मनी बिशहवा, शहवत से मनी खारिज करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रात के वक्त में मर्द के लिए जायज़ करार दिया है, फ़लआन बाशरोहुन وابتغوا ما كتب الله لكم وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن। रात के वक्त में जायज़ करार दिया है कि मर्द अपनी औरत के साथ सोहबत कर ले, दिन के वक्त को हराम करार दे दिया गया है, मना कर दिया गया है कि दिन के वक्त में इस तरह का कोई भी मामला मर्द अपनी बीवी से जारी न रखे, और इस ताल्लुक़ से गुफ्तगू गुजर चुकी। लेकिन वही मामला जो इंसान बीवी के साथ करता है, अगर उसी चीज़ को अज़ खुद, जिसको इस्तिमना कहा जाता है, कोई भी अमल ऐसा कर रहा है कि उस अमल के साथ साथ वो शहवत के साथ उस मनी को खारिज कर दे रहा है पर बीवी के साथ नहीं उसके अलावा,
अलग। तो अगर ऐसा कुछ कर रहा है तो उसका ये अमल उसके रोज़े को तोड़ देगा। जैसे कि अभी कुछ देर पहले गुज़रा कि खाना और पानी का हुक्म ये है, पर वो चीज़ जो खाने और पानी के दर्जे में हो, नाम उसका खाना पानी ना हो, तो उसका भी हुक्म ये होगा कि वो उसके रोज़े को तोड़ देगा। ये बीवी के साथ तो नहीं कर रहा, लेकिन अमल वही है जो बीवी के साथ करता है। अमल दोनों सेम है, नतीजा दोनों का एक जैसा है, तो हुक्म भी दोनों का एक जैसा होगा, हुक्म भी दोनों का एक जैसा होगा, सिवाय कफारा के, सिवाय कफारा के, कफारा इसके ऊपर नहीं होगा। दोनों का हुक्म सेम क्यों होगा? इसलिए भी क्योंकि हदीस कुदसी में अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, अस्साइमु यदउ तआमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली, यदउ तआमहु व शराबहु व शहवतहु मिन अजली। सिर्फ खाने पानी के जिक्र पर इक्तफा नहीं किया, बल्कि अपनी शहवत को भी वो रब्बे करीम की रज़ा के लिए तर्क कर देता है, छोड़ देता है। और इस बंदे ने इस तीसरी चीज़ को नहीं छोड़ा, बल्कि रब की रज़ा के ख़िलाफ़ उसने उसका इस्तेमाल किया। इसी तरीके से एक रिवायत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फ़ी बुदअ अहादिकुम सदक़ा, अगर कोई शख्स अपनी बीवी से सोहबत करता है तो उसे सदका होगा, यानी अजर मिलेगा। क़ालू या रसूलल्लाह अयाती अहदुना शहवतहु व यकूनु लहु फीहा अजर, कि ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई शख्स अपनी शहवत पूरी करने के लिए अपनी बीवी के पास जाए और उस पर उसको अजर मिलेगा। क़ाल अरायतुम लव वदअहा फिल हराम, क्या ख़्याल है तुम्हारा अगर वो हराम रास्ते में उस चीज़ को पूरी करे, हल्कान अलैहि विज़्र, क्या उस पर गुनाह होगा? फ़कदालिका इदा वदअहा फिल हलाल, तो ऐसे ही जब वो उसे हलाल में इस्तेमाल करे, कान लहु अजर, तो उसे अजर मिलेगा। तो जो चीज़ वो रख रहा है वो क्या चीज़ है? लव वदअहा फिल हराम, क्या चीज़ है जो वो हराम में रख रहा है? सिवाय इसके और कुछ नहीं कहा जा सकता कि इससे मुराद मनी का इंजाल है, मनी का खुरूज है। तो अगर वो बाइस अजर है कि अगर हलाल और जायज़ रास्ते से कर रहा है तो बाइस विज़्र होगा, अगर वो हराम और नाजायज़ रास्ते से कर रहा है। इसका माना ये है कि दोनों मफहूम में, नतीजे में एक जैसे हैं और दोनों का हुक्म एक जैसा होगा, यानी रोज़ा दोनों का फासिद हो जाएगा और उसके बदले में एक दिन की कज़ा करनी होगी, जैसा कि इस ताल्लुक़ से तफसील गुज़र चुकी है। नंबर पाँच, लेकिन इससे पहले अगर कोई इंसान ऐसा है कि इहतलाम की हालत में, इहतलाम की हालत में उसके साथ ये मामला हुआ, यानी सोते हुए बेदारी में नहीं, तो फिर उसका क्या हुक्म होगा? ज़ाहिर सी बात है सोते हुए इंसान के पास ख़ुद का कोई कसद, इरादा और इख्तियार नहीं होता, यानी उसके इरादे और कसद के बग़ैर अगर ये मामला अंजाम पज़ीर हुआ, यानी दिन के किसी वक्त में, तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा और उसका रोज़ा उससे मुतासिर नहीं होगा। और दिन के वक्त में भी
अगर उसका अपना कोई अमल नहीं है, उसका अपना कोई अमल नहीं है, किसी हद तक अगर कुछ वसवसे उसके जहन में आए और ये नतीजा उसके सामने आ गया, तो इसका भी हुक्म वही होगा जो कि एहतलाम वाले शख्स का है, कि इसने अपनी तरफ से कोई ऐसा अमल नहीं किया जो कि ज़रिया और सबब बना हो। तो अगर अपने इरादे के बग़ैर, अपने इख्तियार के बग़ैर, अपने किसी अमल के बग़ैर इंसान से मनी का खुरूज हो जाता है, तो इस मुजर्रद फ़ेल से उस पर कोई असर मुरतब नहीं होगा। यानी ये दो शक्लें उससे ख़ारिज होंगी जिसका तज़किरा अभी किया गया। कितनी शक्लें हो गई? चार। खाना पानी, जमा, इंजालुल मनी, शावा और कुछ, चार अभी जिक्र हुई। इस ताल्लुक से पांचवी जो चीज़ है वो है हजामत। हिजामत का मतलब, हिजामत का मतलब पहले दौर में कुछ और था, अब आज के दौर में थोड़ी तरक्की हो गई। जिस्म के किसी हिस्से पर जहाँ इंसान ज़रूरत महसूस करे, फासिद खून के फासिद हिस्सों को बाज़ आलात के ज़रिए से इकट्ठा करके उन्हें निकालने, तो उसको, और वो भी कुछ हल्का ज़ख़म वहाँ पर देने के बाद, वहाँ पर कुछ छोटे छोटे प्यालों की शक्ल में आज के दौर में उन्हें वहाँ नसब किया जाता है, और फिर हवाओं के प्रेशर से फासिद मादे को इकट्ठा करके और उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। तो ये जो फासिद खून इंसान के जिस्म से निकालने के इस तरीक़े को अपनाया जा रहा है जिसे हजामत कहते हैं, पहले ज़माने में सींगी लगाकर और मुंह के रास्ते से खींचते थे, इसको पोछना कहते हैं, पोछना लगवाना, पर वो सिलसिला अब बाकी नहीं रहा। अब उसमें तरक्की आई और मशीनों के ज़रिए से या नए आलात के ज़रिए से वही काम अंजाम दिया जा रहा है। तो ये इलाज का एक बेहतरीन रास्ता है हिजामा, ये इलाज है। अगर ये इलाज कोई शख्स करता है, यानी हिजामा लगवाता है और हालत सियाम में लगवाता है, तो उसके सियाम का क्या होगा? आया सियाम बाकी रहेगा या सियाम टूट जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा या बरकरार रहेगा? क्या क्या ख्याल है, हिजामत ये नवाक़िद सियाम में से है या नहीं? रोज़ा टूटेगा या बरकरार रहेगा? वो सबब बना अगर रोज़ा टूटने का, तो रोज़ा टूट जाएगा, अगर वो सबब नहीं है तो जायज़ है। नहीं, अमल तो जायज़ है, लेकिन क्या उससे हमारा रोज़ा टूट जाएगा या बरकरार रहेगा? हिजामा लगवाने से, हिजामा लगते ही रोज़ा टूट गया या नहीं टूटा? मशहूर रिवायत है, अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, अफ्तर अल हाजिम वल महजूम, सुनन अबी दाऊद वगैरह की रिवायत है, शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से। क्या रिवायत है? अफ्तर अल हाजिम वल महजूम,
हिजामा लगाने वाले और हिजामा लगवाने वाले दोनों ने इफ्तार कर लिया। अफ्तर अल हाजी वल महजूम। अफ्तर अल हाजी वल महजूम, क्या इससे पता चला? दोनों का रोजा टूट गया, दोनों के रोजे टूट गए। और यही फतवा भी बहुत सारे अहले इल्म के हैं, कबार अहले इल्म ने इसी का फतवा भी दिया है। शेख इस्लाम तैमिया, अल्लामा इब्न क़य्यिम, शेख इब्न बाज़, शेख इब्न उसैमीन और बहुत सारे अहले इल्म यही फतवा दे रहे हैं। कौन सा? हिजामा से रोज़ा टूट जाएगा। अफ्तर अल हाजिम वल महजूम जो रिवायत है उसे पेश करते हुए मगर सही बात यह है कि रोज़ा इससे नहीं टूटता, हिजामा से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि सही बुखारी और मुस्लिम, सही बुखारी के अंदर ये रिवायत है, मुस्लिम में है कि नहीं लेकिन सही बुखारी में ये रिवायत है अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा हालत सियाम में लगाया, एहतजम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा साइम, एहतजम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा साइमुन। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत सियाम में, ये अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा की रिवायत है सही बुखारी 1938, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतजमा वहुवा मुहरिम वहतजमा वहुवा साइम, और 1939 में है इहतजमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा साइम, इहतजमा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहुवा साइम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा हालत सियाम में लगवाया। इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एहराम की हालत में मक्का मुकर्रमा का जो सफ़र किए हैं वो हजतुल वदा के मौके पर सन 10 हिजरी में, और शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये रिवायत फतेह मक्का की मुनासबत से है। सन 8 हिजरी में, यानी बात की रिवायत कौन सी है? एहतजम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ साइम, एहतजम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ महरिम। यानी पहले ऐसा था और बाद में उसमें रुख्सत आ गई, पहले ऐसा था बाद में उसमें रुख्सत आ गई। यानी पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते थे और बाद में आपने उसमें रुख्सत दे दी, दोनों के दरमियान तदबीर की एक शक्ल है। और इस एतबार से इसका माना अफ्तर अल हाजिम वल महजूम का अगर ये लिया जाए तअर्रदा लिल्फ्तार, तअर्रदा लिल्फ्तार यानी हिजामा लगाने वाले और हिजामा लगवाने वाले दोनों इफ्तार के लिए अपने आप को पेश कर बैठे।
यानी कुछ ऐसा काम दोनों में से हर एक ने किया है कि जो मूजिबे इफ्तार हो सकता है, तअर्रदा लिल इफ्तार, जो मूजिबे इफ्तार बन सकता है। हिजामा लगाने वाले का इसलिए क्योंकि वो मुंह से खींच रहा है, और मुंह से खींचने का क्या मतलब है, मुंह से खींचने का मतलब है कि हवा के साथ साथ खून भी सड़क से वहाँ से निकले और डायरेक्ट अंदर दाखिल हो जाए, हो सकता है कि नहीं, जन्ने गालिब है। जब तक वो तेज़ी से खींचेगा नहीं, उस वक्त तक खून अपने जमी हुई जगहों से निकलकर आएगा नहीं, बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए कुव्वत से खींचना होगा। इसलिए बहुत सारे लोग पाइप वगैरह जो लगाते हैं किसी एक जगह जहाँ पानी जमा है दूसरी जगह ले जाने के लिए, तो वहाँ पाइप लगा देते हैं और दूसरी जगह उसको पहुँचाने के लिए मुंह से खींचते हैं, कस के खींचते हैं, वो पानी वहाँ से खींच के आ जाता है, लेकिन तब तक उनके मुंह में पानी का बहुत सारा हिस्सा आराम से चला जाता है, वो फिर थूकते हैं उसको। लेकिन जो चीज़ मुंह में आ गई है हवा के प्रेशर से, वो अंदर भी जा सकती है और रुक भी सकती है, दोनों हालतें आ सकती हैं। तो इसकी मिसाल ऐसे ही हो गया जैसे कि एक शख्स को नींद आ रही है, तो नींद आ गई तो सो गया, तो उससे कहा जा रहा है कि भाई आप सो गए थे ना, होशोहवास तो आपको नहीं रहा, तो अब आप वजू बनाइए, आपका वजू टूट चुका है। क्या ज़रूरी है कि सोते हुए उसका हवा खारिज हुआ हो, ज़रूरी है भाई? जो भी सो जाए उसका हवा ही खारिज होगा, ऐसा ज़रूरी है? क्योंकि नाकिज़े वज़ू जो चीज़ है वो हवा का खारिज होना है, पेशाब पखाना हवा का खुरूज। तो नींद को नाकिज़ वज़ू क्यों करार दिया गया? क्योंकि इस रास्ते से हवा का खुरूज हो जाए उसको पता भी नहीं चलेगा, होश नहीं उसको, उसको शऊर नहीं है, उसका शऊर और इदराक नींद के साथ साथ ख़त्म है। जब तक नींद है तब तक शऊर और इदराक उसको नहीं है। लेकिन अगर ऐसी नींद है कि शऊर और इदराक उसका बाकी है, तो क्या उसको भी कहेंगे कि ये नाकिज़ वज़ू है? नहीं। ऐसा कि साहब कराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ार में बैठे रहते थे और सर उनका हिलता रहता था, थोड़ी उनके सीने पे आके लग जाती थी, ये हल्की नींद होती थी क्योंकि वो जमे बैठे हुए हैं और नींद के गलबे की वजह से उनके सर हिल रहे हैं, यानी अपने आप में नहीं है, लेकिन वो नाकिज़े वज़ू उसको नहीं करा, क्योंकि वो उठते थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज़ पढ़ लेते थे। तो नींद को नाकिज़े वज़ू इसलिए करार दिया गया क्योंकि नींद के आगोश में जाने के बाद इंसान को शऊर नहीं रह सका कि आया हवा का खुरूज हुआ या नहीं हुआ, कहा गया आप वज़ू बना लें, क्योंकि हवा का खुरूज हुआ हो तो आपको उसका कोई अंदाज़ा नहीं लग सकता। तो इसी तरीके से ये मामला भी है कि हिजामा लगाने वाले शख्स ने कुव्वत के साथ जब उस चीज़ को अपने मुंह से खींचा हवा के रास्ते से, तो मुंह तक पहुंचना और मुंह के रास्ते से हलक और उसके नीचे तक चले जाना कोई बाइद नहीं, तो गोया कि उसने अपने आप को इफ्तार के लिए पेश कर दिया, ये हाजिम। और महजूम ने इफ्तार के लिए अपने आप को कैसे पेश कर दिया रोज़ा तोड़ने के लिए? क्योंकि वो शख्स पहले से रोज़ा रखने की वजह से कमज़ोरी का शिकार था, खाया नहीं पिया नहीं, दिन भर भूख और परेशानी और तकलीफ़ और धूप और न मालूम क्या क्या चीज़ों की वजह से वो कमज़ोरी उसे लायक थी, या उस रास्ते से उसे कमज़ोरी आ रही है। अब मज़ीद अगर जिस्म के अंदर की क़ुव्वत को खारिज कर रहा है खून बहा करके, तो मज़ीद कमज़ोरी को दावत दे करके वो अपने आप को उस मरहले में ले जाएगा
कि उसे लोग पानी पिलाएं, खाना खिलाएं, उसे उसकी कमज़ोरी को फौरी तौर पर दूर करने के लिए कुछ ऐसे काम अंजाम दें ताकि वो अपने आप में आ सके। तो कोई बैध नहीं कि ऐसा शख्स मज़ीद कमज़ोरी के उसमें जाकर और खाना और पानी की ज़रूरत को फौरी तौर पर महसूस करने लगे और उसे उस हालत से निकालने के लिए खाने और पानी और दीगर और चीज़ों को दिया जाए ताकि वो अपनी नॉर्मल सेहत की तरफ लौट सके। तो गोया कि दोनों में से हर एक ने अपने आप को कहाँ पेश किया, इफ्तार के लिए पेश कर दिया कुछ ऐसे असबाब को अपना कर कि उन असबाब का ये नतीजा नॉर्मली अंदाज में आ सकता है। ऐसे है जैसे कि बाज़ रिवायात के अंदर इस बात का ज़िक्र है, मन वलियल क़ज़ा और जो इलाक़ादियन बैन अन्नास, कि जो शख्स क़ज़ा जैसी ज़िम्मेदारी को ले ले या लोगों के दरमियान काजी बना करके भेजा जाए, फ़क़द ज़ुबिहा बग़ैर सिक्कीन, फ़क़द ज़ुबिहा बग़ैर सिक्कीन, तो ऐसे ही है उसका हाल जैसे कि बग़ैर छुरी के उसे ज़बह कर दिया गया हो। ऐ तअर्रद लिज़्ज़बह, ऐ तअर्रद लिज़्ज़बह बग़ैर सिक्कीन, फ़क़द ज़ुबिहा ऐ तअर्रद लिज़्ज़बह, तो ऐसा सबब अपना कर क़ज़ा जैसी ज़िम्मेदारियों को कबूल करके गोया कि वो अपने आप को कहाँ पहुँचा रहा है, उस दर्जे में पहुँचा रहा है जैसे कि कोई शख्स किसी को ज़बह कर दे। तो ये मफहूम है अफ्तरल हाजिमु वल महजूम का। और इस बात की तायीद हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से मज़ीद हो जाती है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, सही बुखारी में है 1940, سئل انس بن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامه للصائم, उनसे पूछा गया क्या तुम साइमीन के लिए रोज़ेदारों के लिए हिजामा को नापसंद करते हैं करते थे, क्या आप लोग साइम के लिए हिजामा नापसंद करते हैं करते थे। قال لا, तो हज़रत अनस रज़ी अल्लाह उन्होंने कहा कि नहीं, इल्ला मिन अजल ज़ाइफ, इल्ला मिन अजल ज़ाइफ, हाँ मगर कमज़ोरी की वजह से, क्योंकि हिजामा ये कमज़ोरी का सबब हो सकता है। तो अगर किसी को ऐसा लगता है कि हिजामा के बाद वो अपने आप में कमज़ोरी महसूस करने लगेगा तो ऐसे शख्स को हजामा नहीं कराना चाहिए हालत सियाम में। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसी कोई चीज़ अपने अंदर महसूस नहीं कर रहा है तो कोई हर्ज नहीं। इल्ला मिन अज, قال لا الا من اجل الضعف। एक और रिवायत में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही से है और इसमें आगे है सही बुखारी वाले में, وزاد شبابته قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم, ये मामला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का था, यानी ये नापसंदीदगी का मामला जो हिजामत के ताल्लुक से और वो भी ज़ाफ़ और कमज़ोरी की बुनियाद पर यह नापसंदीदगी है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात है। एक और रिवायत है हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, फरमाते हैं अव्वलु मा कुरिहत अल-हिजामतु लिस-साइम, ये हिजामत जो साइम के लिए शुरू शुरू में जो नापसंदीदगी की वजह बनी वो वाक़ हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नोट करते हैं, अन्न जाफ़र इब्न अबी तालिब इहतजमा व हुवा साइम, जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हालत सियाम में हिजामा लगवाया, فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے پاس سے گزر ہوا اور آپ نے فرمایا افطر هذان, حجامہ لگانے والے
اور لگوانے والے دونوں نے افطار کیا. ثم رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فی الحجامہ, ثم رخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد فی الحجامہ, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حجامہ کی رخصت دے دی للصائم, صائم کے لیے, یعنی حالت صیام میں اگر کوئی حجامہ لگوانا چاہتا ہے تو اس کے لیے جائز ہے. وکان انس یحتجم وهو صائم, اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت صیام میں حجامہ لگواتے تھے. تو اس روایت سے پتہ چلا کہ حجامہ یہ موجب فساد صوم نہیں ہے, ناقض صوم نہیں ہے, روزے کو توڑنے والی چیزوں میں سے نہیں ہے. بہتر ہے انسان ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو روزہ توڑنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہیں, اس کی کمزوری کا ذریعہ سبب بن سکتی ہیں, ایسی چیزوں سے وہ بچے, دن کے بجائے رات کے اوقات میں ایسے کاموں کو کرے. لیکن اگر ایسا کسی نے کیا تو کیا اس کا روزہ باطل ہو گیا, فاسد ہو گیا, ٹوٹ گیا؟ نہیں, اس کا روزہ باقی ہے. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا, اور ایسا کرنے والے کے تعلق سے وہی حکم ہوگا جو حکم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رہا. اسی لیے عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں الفطر مما دخل وليس مما خرج, الفطر مما دخل. وقال ابن عباس وعكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج, صحیح بخاری میں جزمن امام بخاری نے یہ اثر نقل کیا ہے. الصوم مما دخل وليس مما خرج, روزہ جو ٹوٹتا ہے وہ ان چیزوں سے جو اندر جائے, ان چیزوں سے نہیں ٹوٹتا جو اندر سے نکلے. جیسے آدمی پیشاب کرتا ہے, پاخانہ کرتا ہے, پسینے جسم سے نکلتے ہیں, تو یہ جو چیزیں جسم سے نکلتی ہیں ان سب چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کہاں ایسے خون بھی اگر نکلے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. وَلَيْسَ مِمَّا خَرَج, گویا کہ ایک ضابطہ انہوں نے ذکر کیا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے, الصوم مما دخل وليس مما خرج, روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو اندر جائیں, اندر داخل ہوں. اگر آپ اندر لے جاتے ہیں تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹے گا, اگر اندر سے وہ چیزیں نکل جا رہی ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. وليس مما خرج. على كل حال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے, دونوں رائے اہل علم کی ہیں. جمہور اہل علم نے یہی رائے اختیار کی ہے جو بھی میں نے ذکر کیا, اور بعض اہل علم جن میں عصر حاضر کے بھی قابل ذکر بڑے اہل علم ہیں, کبار اہل علم ہیں, انہوں نے روزہ ٹوٹنے والی بات اس کے ذریعے سے کہی ہے, مگر صحیح اور درست یہ ہے کہ حجامہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا. چھٹی چیز قائے کرنا, پیٹ کے اندر کی چیزوں کو انسان پیٹ کے اندر کی چیزوں کو, کھائی پی چیزوں کو انسان منہ کے راستے سے باہر نکال لے, وہ از خود نکلے تو اس کو کہا جاتا ہے ذرع القی, یعنی قی خود سے نکل گیا, قی خود سے ہو گیا, یعنی وہ چیزیں خود سے باہر آ گئیں, وہ غالب آ گئیں اور انسان مغلوب ہو گیا.
इसलिए अंदर की चीज़ें बाहर निकल आई। और दूसरा है इस्तका, ये तो दरा हल्के यानी गलब हल्के के गालिब हुआ, और ये कैफियत इंसान पर आई और अंदर की चीज़ें वो बाहर निकल गई, तो कहा उसमें कोई हर्ज नहीं। मंजर आई, अगर किसी को कह आ जाए, अज खुद आ जाए, कह गालिब आ जाए, अज खुद कह हो जाए, तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर कोई शख्स कह आमदन करे, तलब उंगलियां अंदर मुंह में डाल लिया, इस्तका ऐसे उंगलियों को अंदर डाला और यूं पलटी मार दिया, यानी कुछ अमल किया, कुछ ऐसी तदबीर किया कि जिसकी बुनियाद पर खाई पी हुई चीज़ें वो बाहर निकल आए, इस्तका फ़अलैहि अल-क़ज़ा। तो इस रिवायत में क्या कहा गया कि उस शख्स को क़ज़ा करनी है। मन इस्तका आमदन फ़लयक़्ज़ी व मन ज़रअहु अल-क़ज़ा फ़ला क़ज़ा अलैहि, यह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। इस रिवायत से पता चलता है कि क़य क्या है, उन चीज़ों में से है जिससे टूट जाता है रोज़ा। ये अबू दाऊद वगैरह की रिवायत है, अबू दाऊद तिर्मिज़ी वगैरह की, अबू हुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, मन ज़रअहु अल-क़य फ़ला क़ज़ा अलैहि व मन इस्तका फ़अलैहि अल-क़ज़ा, कि कई अगर ख़ुद से किसी को आ जाए तो उस पर कोई क़ज़ा नहीं, उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। ओमन इस्तका फ़अलैहि अल-क़ज़ा, और जो शख्स कई जानबूझ करके करे, कई तलब करे, फ़अलैहि अल-क़ज़ा, तो उसको क़ज़ा करना होगा, यानी उसका रोज़ा टूट गया और उसे उस दिन के बदले में एक और दिन बतौर रोज़ा के करना होगा। क्लियर हो रही बात? पर ये रिवायत सही नहीं है, बहुत सारे अहले इल्म ने इसको सही करार दिया है, लेकिन इमाम बुखारी हैं और उनसे पहले के भी कुछ बड़े नाकिदीन हैं, उन्होंने इसको मालूल करार दिया है। ये रिवायत सही नहीं है, ये रिवायत सही नहीं है, गरचे यानी महफूज नहीं है, गरचे बहुत सारे अहले इल्म ने इसको सही करार दिया है, जिसमें दौरे हाजिर के मुहद्दिस अल्लामा अल-अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने भी इस रिवायत को सही करार दिया है। और एक बड़ी तादाद है जो इस पर आमिल है, पर इल्म हदीस इस बात का तकाजा करता है कि रिवायत के एतबार से, सनदी एतबार से अगर देखा जाए तो ये रिवायत महफूज नहीं है, ये मौकूफ़न सही है, यानी मरफूअन के बजाय मौकूफ़न सही, और मौकूफ़न मालूल है, मौकूफ़न सही है और मौकूफ़न मालूल है, यानी मरफूआन भी मालूल है और मरफू में सही राय यह है कि वो मौकूफ़ है, और मौकूफ़ भी मालूल है यानी मौकूफ़ भी साबित नहीं है। अल-खुलासा, ये रिवायत काबिल एतबार नहीं है। यही हज़रत अबू हुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं जिनके ताल्लुक़ से ये रिवायत पेश की जा रही है, क़य नाक़िज़े सौम है इस मसले को साबित करने के लिए। जब हज़रत अबू हुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की के फतवे को देखा जाए, उनका अपना इख्तियार देखा जाए, तो उनका ख्याल है इज़ा क़ा अहदुकुम फ़ला युफ़्तिर,
فَإِنَّمَا يُخْرِجُ وَلَا يُولِجُ کہ قے کرنے والا شخص اذا قاء فلا يفطر. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ذکر کیا ہے. امام بخاری فرماتے ہیں وقال لي يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر بن الحكم ابن ثوبان سمع أبا هريرة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه إذا قاء فلا يفطر إنما يخرج ولا يولج. جب کوئی شخص قے کرتا ہے تو افطار نہ کرے, جب کوئی قے کرے تو افطار نہ کرے. انما یخرجو وہ تو اندر سے باہر نکال رہا ہے, ولا یولجو وہ باہر سے اندر نہیں داخل کر رہا ہے. وجہ افطار نہ کرنے کی وجہ یعنی قے کرنے والا شخص مفطر نہیں ہے, اس کا روزہ صحیح اور درست ہے. کیوں کہا وجہ بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انما یخرجو ولا یولجو انما یخرجو ولا یولجو یہ تو اندر سے باہر نکال رہا ہے. قے کرنے والا اندر کی چیزوں کو جیسے بہت ساری چیزوں کو انسان اپنے پیٹ سے باہر نکالتا ہے, پیشاب ہے, پاخانہ ہے اور بہت ساری چیزیں ہیں اندر سے باہر نکلتی ہیں, تو کہا یہ اندر سے باہر نکالنا ہے نہ کہ باہر سے اندر یہ داخل کرنا ہے. اس سے پہلے عبداللہ ابن عباس کا ایک قول میں نے ذکر کیا تھا, ہاں الصوم مما دخل وليس مما خرج, الصوم مما دخل وليس مما خرج. حضرت بحر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں فإنما يخرج ولا يولج یہ تو باہر کر رہا ہے اندر نہیں کر رہا ہے, تو اس کا روزہ صحیح ہے, اس کو روزہ توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. گرچہ کہ آمدن, ہاں وہ آمدنی کی بات ہے. اذا قاء اذا قاء جب کوئی شخص قے کرے یعنی آمدن فلا یفطرو. اس کے بعد امام بخاری فرماتے ہیں ویذکر عن ابی ہریرہ انہ یفطر اور حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا جاتا ہے کہ قے یہ باعث افطار ہے. کہتے ہیں والاول وصح حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے پہلی چیز جو میں نے سندن نقل کی ہے وہی صحیح ہے. اس سے معلوم ہوا کہ قے یہ ناقض صوم نہیں, یہ ان چیزوں میں سے نہیں ہے کہ جس سے انسان کا روزہ ٹوٹ جائے, بلکہ اس سے روزہ قائم رہے گا, خواہ خود سے قے ہوا ہو یا جان بوجھ کر کے اس نے قے کیا ہو. یہ کتنے نمبر کی ناقض تھی؟ یہ 6 نمبر. تو آخر کی دونوں چیزیں حجامت اور قے یہ مختلف ہی ہیں, اور صحیح یہ ہے کہ یہ دونوں ہی ناقض صوم نہیں ہیں, یعنی ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا. آخری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے 5ویں ہوگی, راجع قول کے مطابق 5ویں ہوگی مختلف ہی مسئلے کو لے کر کے, حیض اور نفاس کا خون. حیض اور نفاس کا خون اگر نکلے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے, جیسا کہ کل کے درس میں کچھ روایات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا. كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. کہ خون ہمیں آتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہمیں روزے کے قضاء کا حکم دیا جاتا, نماز کے قضاء کا نہیں. اور دوسری روایت جس کے اندر یہ تھا کہ جب وہ حالت حیض اور نفاس میں ہوتی تو
क्या ऐसा नहीं है कि रोज़ा और नमाज़ नहीं करते? लम तुसल्ली व लम तसुम, न वो रोज़ा रखती है और न ही नमाज़ पढ़ती है। फ़ज़ालिका में नुकसानी दीनी है, ये उसके दीन की कमी है। तो इसे पता चला कि इस हालत में औरत रोज़ा नहीं रखेगी, या अगर वो रोज़े से है और ये खून जारी हो जाए तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। वो दिन के किसी भी वक्त में खून आ जाए वो उसके रोज़े को बातिल कर देगा, उसके ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा लेकिन रोज़ा उसका टूट जाएगा और उस दिन के बदले में कज़ा करेगी, एक दिन का कज़ा करेगी। तो राजे कौल के मुताबिक ये कुल पांच नवाक़िदे सौम हैं, ये कुल पांच नवाक़िदे सौम हैं, खाना पानी और उसके कायम मकाम वो चीज़ें जो खाने और पानी के दर्जे में हों, जमा और मनी का शहवत के साथ इंजाल, और खुरूज दमिल हैद और निफास, हैद और निफास के खून का निकलना। बाकी दो जो चीज़ें हैं हिजामा और कै, कसद व इरादे से आमदन, ये दोनों मुख्तलफ भी हैं। राजे मसला ये है कि इनसे रोज़ा नहीं टूटता बल्कि रोज़ा सही सालम रहता है। इस ताल्लुक़ से कुछ बातें और भी इंशाल्लाह पेश करनी है पर वक्त ख़त्म हो चुका है। आने वाले दर्स में कुछ अहम तंबीहात हैं मुफ़सिदात सौम या मुफ़सिदात या मुफ़्तलात सौम के ताल्लुक़ से, जिन चीज़ों से रोज़ा टूटने वाली हैं उनके कुछ शुरूत हैं, कुछ चीज़ें हैं जो काबिल गौर हैं, उन मसाइल को समझते हुए इंशाल्लाह फिर कुछ अहम आदाब का ज़िक्र किया जाएगा। सौम से मुतालिक कुछ अहम ज़रूरी और गैर ज़रूरी आदाब, ज़रूरी और मुस्तहब आदाब इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको सियाम से मुतालिक जो भी अहकाम और मसाइल किताब व सुन्नत की रोशनी में हमारे सामने आ रहे हैं अल्लाह उन्हें समझने और हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक तमाम इबादात को अंजाम देने की तौफीक बख्शे। आमीन तकब्बल या रब्बुल आलमीन, सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।